दोस्तों, हमारे देश में जितने भी छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस हैं वो अधिकतर कैश के फॉर्म में वर्क करते हैं, यानी उनका जितना भी सेल होता है वो काउंटर से कैश में होता है, और ऐसे ही वो जो माल बुलवाते हैं उसका पेमेंट भी वो कैश में करते हैं। तो आप अपने आसपास जितने भी रिटेल किराना या जनरल स्टोर्स देखते हैं, रिटेल गारमेंट शॉप्स देखते हैं, उनमें अधिकतर ट्रांजेक्शन्स नगद यानी कैश के रूप में होते हैं और बैंकिंग इनका बिल्कुल मिनिमम होता है। तो ऐसे में व्यापारियों का एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है, कॉमन डाउट होता है कि क्या वो अपने बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स तो काफ़ी कम हो रहे हैं, क्योंकि करेंट अकाउंट खुलवाने में कुछ खर्चे इन्वॉल्व होते हैं और उसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो क्या ऐसे में वो अपना सेविंग अकाउंट अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आंसर करने वाला हूँ कि क्या ऐसा करने से इनकम टैक्स से आपको कोई परेशानी हो सकती है, क्या बैंक आपका खाता बंद कर सकता है अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, और साथ ही साथ बैंकिंग से रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट चेंज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि 1 सितंबर 2019 से इफेक्ट में आया है। तो अगर आप भी अपना सेविंग अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं तो इस रूल को जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप इन फ्यूचर आने वाली प्रॉब्लम से बच सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपकी इनकम टैक्स, जीएसटी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंकिंग रूल्स इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो अगर मैं बैंकिंग रूल्स की बात करूं तो सेविंग अकाउंट का मतलब ही होता है जिसमें आप अपनी सेविंग्स का पैसा जमा करते हैं, यानी आप जो भी पैसा अपने बिजनेस से या अपनी सैलरी से बचा लेते हैं वो पैसा आप सेविंग के रूप में इस प्रकार के खाते में जमा करते हैं। इन रूल्स को प्रॉपरली समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर देखते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम SBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। अब क्योंकि SBI बैंक हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है और इसने RBI के कंसल्टेशन से जो सेविंग बैंक से रिलेटेड अपने रूल्स बना रखे हैं, हमारे देश के अधिकतर बैंक्स इन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। तो ये देख सकते हैं आप सेविंग बैंक रूल्स। अब इस रूल्स में आप नीचे आ जाएंगे ऑपरेशंस में, तो ऑपरेशन एंड अकाउंट में जनरल पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो यहां से आप पढ़ सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट इज एसेंशियली ए फैसिलिटी टू बिल्ड अप सेविंग्स एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज ए करंट अकाउंट। तो क्लियरली लिखा है कि आपको केवल सेविंग जमा करने के लिए अकाउंट दिया गया है और आपको करंट अकाउंट जैसा यूज नहीं करना चाहिए। बैंक में क्लोज एन अकाउंट शुड इट हैव एनी रीजन टू बिलीव दैट द अकाउंट होल्डर हैज यूज्ड हर हिज अकाउंट फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट इज नॉट अलाउड। तो अगर बैंक को पता चल जाता है कि आप उसके सेविंग बैंक खाते को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, एज ए करेंट अकाउंट यूज कर रहे हो, तो वो उस अकाउंट को क्लोज कर सकता है। तो ये राइट्स जो है बैंक के पास होते हैं। ऐसे ही अगर आप डिपॉजिट में पढ़ेंगे तो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट। तो नंबर ऑफ डिपॉजिट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि आप जितना भी डिपॉजिट करें उसको आपको इनकम टैक्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसका जो सोर्स है वो क्या है। इसी तरीके से विड्रॉल्स के रूल्स भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लिंक है रूल्स की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और आप इसे बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, रूल्स एंड रेगुलेशन तो कोई भी गूगल पर जाकर पढ़ सकता है, बट अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की, यानी व्यवहारिक रूप से मार्केट में क्या होता है, किस प्रकार से मैनेज होती है। इस चैनल का उद्देश्य आपको व्यवहारिक ज्ञान या फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अवेयर कराना है। तो आप देखते हैं प्रैक्टिकली मार्केट में क्या होता है। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आज की तारीख में भी कई सारे छोटे और मीडियम साइज बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए सेविंग बैंक अकाउंट का यूज करते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बाद भी वो लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? अब यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस प्रकार के जो व्यापारी हैं जो कि अपने बिजनेस के लिए सेविंग बैंक अकाउंट का यूज कर रहे हैं, ये मिनिमम से मिनिमम ट्रांजैक्शंस करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में। अब बैंक को ये पता नहीं चलता कि ये इनके पर्सनल ट्रांजैक्शन है या फिर इनके बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसलिए बैंक इन पर कोई एक्शन नहीं ले पाता है। बट अगर कोई व्यापारी अपने सेविंग बैंक अकाउंट में फ्रीक्वेंटली यानी बार बार डिपॉजिट्स और विड्रॉवल करता है, तो उस केस में तो बैंक ऐसे व्यापारियों को इस प्रकार के सेविंग खाते को करेंट अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि इसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं। बट अगर व्यापारी के ट्रांजेक्शंस काफी कम हैं, तो बैंक्स को इसके बारे में पता नहीं चलता है, इसलिए ये चीज अभी तक चलती आ रही है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर, हम अपने बिजनेस के लिए सेविंग बैंक अकाउंट का यूज करें या नहीं करें? इस चीज का आंसर भी आपके खुद के पास है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं उस आंसर को आपके दिमाग में लाने के लिए। अब इसका आंसर कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस काफी छोटे लेवल पे है और इन फ्यूचर आप इसे ग्रो नहीं करना चाहते हैं, आपके पास जो भी छोटा मोटा बिजनेस है आप उसमें टोटली सेटिस्फाइड हैं और इसको आगे बढ़ाने का आपका कोई प्लान नहीं है और आपके जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो भी काफी कम होते हैं, तो आप इस प्रकार की कंडीशन में अपने बिजनेस के लिए सेविंग बैंक अकाउंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैंक को इसके बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस काफी कम है। अब बात करते हैं दूसरे केस की।
आपका बिजनेस अभी तो छोटे लेवल पे है, बट इन फ्यूचर आप इसे ग्रो करना चाहते हैं, एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस केस में आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए और करंट अकाउंट के थ्रू अपने सारे ट्रांजेक्शन रूट करने चाहिए। अब देखो, मैं मानता हूं कि करंट अकाउंट खुलवाने के थोड़े बहुत खर्चे हैं और उसमें आपको मिनिमम बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, बट इसके काफी सारे फायदे भी हैं। तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने पर्सनल एक्सपेंसेस कितने किए हैं और बिजनेस के एक्सपेंस कितने किए हैं, तो आपको बिजनेस का प्रॉफिट निकालने में आसानी होगी। सेविंग अकाउंट के खर्चे देखकर आपको यह भी पता चलेगा कि आप कहीं कोई फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हैं कि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो खर्चों के सेग्रीगेशन का है। दूसरा बेनिफिट ये है कि करंट अकाउंट आपके बिजनेस के नाम पे होता है, तो ये आपकी बिजनेस की एक आइडेंटिटी होती है। आप खुद सोचिए, अगर आपका कोई बड़ा ग्राहक है, एक बड़ा क्लाइंट है, और वो आपको पैसा अकाउंट में देना चाहता है, अब अकाउंट डिटेल में अगर आप उसे सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे तो ये थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता है, और अगर वहीं आप उसे अपनी फर्म के नाम से करंट अकाउंट की डिटेल्स देंगे तो एक तरह से वो आपकी ऑथेंटिसिटी बताता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बताता है, ये बताता है कि आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हैं। तो वो जो क्लाइंट है आपसे लॉन्ग टर्म जुड़ना पसंद करेगा क्योंकि आप बिजनेस के लिए सीरियस हैं। तो आपको करंट अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए अगर आप आगे बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि जब भी इन फ्यूचर आपको बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बैंक लोन की जरूरत होती है तो बैंक आपसे जनरली करंट अकाउंट की डिमांड करती है। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो कई सारी बैंक्स आपको फंडिंग नहीं करती हैं। तो उनकी एक प्री कंडीशन होती है कि अगर आप बिजनेस लोन चाहते हैं तो आपके पास करंट अकाउंट होना ही चाहिए। तो करंट अकाउंट के अभाव में आपको इस प्रकार का लोन मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है और आपको एक्सपेंशन में भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है। करंट अकाउंट का अगला बेनिफिट यह है कि करंट अकाउंट जहां पे आपका खुला हुआ है वो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देती है। मतलब इमरजेंसी में अगर आपने कोई चेक इशू कर दिया और आपका उतना बैलेंस करंट अकाउंट में मेंटेन नहीं है, सपोज आपके करंट अकाउंट में बैलेंस है 12,000 रुपए का और आपने अगर 18,000 रुपए का चेक इशू कर दिया, तो ऐसे केसेस में बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है और ये चेक आपका डिसऑनर नहीं होगा, यानी आपका पेमेंट हो जाएगा। तो जो 6,000 रुपए यहां पर शॉर्ट पड़ रहे हैं वो बैंक आपको फंडिंग कर देगी। तो इस प्रकार की टेम्पररी फैसिलिटीज दी जाती हैं कुछ बैंक्स द्वारा, जो कि डिपेंड करती है कस्टमर के ट्रांजैक्शंस पर। तो इस प्रकार कई बार आपका जो चेक है वो बाउंस होने से बच जाता है। आप एक चीज सोचिए, अगर आपको कोई अपना चेक दे और वो चेक जब आप बैंक में लगाए तो वो बाउंस हो जाए क्योंकि उसके अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? तो इस प्रकार की सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़े, इसलिए बैंक्स आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। इसकी लिमिट जो है वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करती है, जो कि उसके पास्ट करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर डिपेंड करती है। आई होप कि इस डिस्कशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेहतर है। चलिए अब बात कर लेते हैं उस इनकम टैक्स के रूल की जो कि 1 सितंबर 2019 से अप्लीकेबल हुआ है और जो सीधे आपके बैंक खातों को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। आपको कभी ना कभी आपके टैक्स कंसल्टेंट ने या फिर आपके बिजनेस कंसल्टेंट ने एक राय जरूर दी होगी कि आपको बैंकिंग में ट्रांजेक्शन हमेशा 50,000 से कम रखने हैं। इसका एक कारण तो ये था कि 50,000 या उससे ज़्यादा का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको पैन नंबर रिपोर्ट करना पड़ता था। और इसका दूसरा जो बड़ा कारण है जो काफ़ी कम लोगों को पता होता है वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो पावर है कि वो बैंक से कोई भी इन्फॉर्मेशन बुलवा सकता है, वो ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए बुलवा सकता था जो कि 50,000 या उससे ज़्यादा के हैं। तो अगर आप 50,000 या उससे कम के ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक से नहीं मांग सकता था। पर 1 सितंबर 2019 को ये चेंज कर दिया गया है और ये जो 50,000 की लिमिट है इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन की डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक से बुलवा सकता है, अब वो उसके पावर में है। अब काफी लोगों को डाउट होता है कि सर आप ये जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो इसका प्रूफ क्या है, हम कैसे मान लें? तो मैं आपको लेकर चलता हूं गवर्नमेंट की ऑफिशियल बजट की वेबसाइट पर और वहां से हम अपना बजट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं और उसके क्लॉज नंबर 66 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो लिमिट है 50,000 की इसको हटा दिया गया है और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन की भी इन्फॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है indiabudget.gov.in। तो हमारे जितने भी बजट प्रस्तुत होते हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पे जो बजट आया था 1920 का जो रिसेंट बजट है उसका फाइनेंस बिल अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनेंस बिल पे क्लिक करना है तो ये एक PDF ओपन हो जाएगा और इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके सेव कर लेना है। तो ये मैंने सेव कर रखा है तो आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आपको पेज नंबर 104 नंबर पे आना है और इसके बॉटम में आपको क्लॉज नंबर 66 दिखेगा। अब इसमें लिखा है बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 285BA। अब सेक्शन 285BA जो है आपके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस का होता है। तो इस क्लॉज को जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि एक प्रोविजन था, एक एक्सेप्शन था
The said section specifies that the value of aggregate value of prescribed specified financial transaction during the financial year shall not be less than 50,000 rupees. तो एक ये exception हुआ करता था कि income tax bank से information बुलवा सकता है subject to कि वो 50,000 से नीचे का transaction नहीं हो. और इसमें clearly लिखा हुआ है it is further proposed to omit the said proviso. तो इस बजट में ये प्रपोज किया गया कि ये जो लिमिट है, ये जो प्रोविजन है, इसे हटा दिया जाए. इसका मतलब ये हुआ कि अब ऐसी कोई 50,000 की लिमिट नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन की भी डिटेल बैंक से बुलवा सकता है. तो ये 50,000 की लिमिट हट जाने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन लेने का भी अधिकार होगा और बैंक वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करने के लिए बाध्य होगा. अब होता यह था कि कई लोग 50,000 से कम के ट्रांजेक्शन करते थे पर वो नंबर में इतने ज्यादा कर देते थे कि अगर टोटल किया जाए तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ जाता था. तो इस बात को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना और ये जो लिमिट है 50,000 की इसे पूरे तरीके से हटा दिया. तो आज की तारीख में अगर कोई ये सोचता है कि वो 50,000 के कम के ट्रांजेक्शन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बच सकता है तो उसका ये सोचना गलत है, क्योंकि आपका पैन नंबर तो ऑलरेडी लिंक्ड हो चुका है. पैन नंबर की लिंकिंग के बिना और आधार नंबर की लिंकिंग के बिना अकाउंट ऑपरेट ही नहीं कर सकते, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिंक है. और ये जो आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल है, चाहे वो छोटा ट्रांजेक्शन हो या बड़ा ट्रांजेक्शन हो, इसकी डिटेल भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होने वाली है. तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे बैंक में वो इस प्रकार का होना चाहिए जिसे आप लीगली एक्सप्लेन कर सकें, चाहे वो ट्रांजेक्शन आपका 50,000 से छोटा हो या 50,000 से बड़ा हो. तो मैंने ये सारी टेक्निकल चीज़ों को सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियोस इन फ्यूचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करें. चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के अपडेट्स से अवेयर हो सकें और वो भी इस प्रकार के वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें. तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही. जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. जय हिंद, धन्यवाद.